बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 ऑफ एमटीएच 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे और फर्दर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन जो हैं इनसे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ नंबर्स की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे चेक की जाती है, ये चीज़ें हम देखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे। लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर इंटीग्रल्स डिस्कस किए थे, इंडेंटेड इंटीग्रल्स डिस्कस किए थे और इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व किया था यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम। बेसिक थीम प्रीवियस टू लेक्चर्स का ये था कि प्रीवियस टू लेक्चर्स में हम रियल इंटीग्रल्स लेते थे और उनको सॉल्व करते थे यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम। इसमें हमने जो फर्स्ट टू टाइप्स देखी थी वो इंटीग्रल 0 to 2π सम रेशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा था। इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए जो पुटिंग्स थी हमारे पास वो ये थी कि हम जेड ऑन द बाउंड्री ऑफ यूनिट सर्कल ले लेते थे, डी थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे डी जेड ओवर आयोटा जेड, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट सर्कल, कॉस थीटा पुट करते थे जेड प्लस जेड पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, साइन थीटा पुट करते थे जेड माइनस जेड पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू आयोटा। इन सब्स्टिट्यूशन के बाद ये रियल इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल और यूनिट सर्कल में। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते थे यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम एंड देन इसके सॉल्यूशन से हम इस रियल इंटीग्रल का सॉल्यूशन लिखते थे। सिमिलरली इसके बाद हमने इंटीग्रल्स डिस्कस किए थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप के। इसमें हम एक्स को जेड से रिप्लेस करते थे और ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता था। अब इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की हम काशी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते थे और जो काशी प्रिंसिपल वैल्यू इस इंटीग्रल की आती थी वही इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होता था। देन हमने इंटीग्रल डिस्कस किए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स और एफ ऑफ एक्स कॉस अल्फा एक्स डी एक्स टाइप के। इसमें हम साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स को रिप्लेस करते थे ई पावर आयोटा अल्फा एक्स से, देन एक्स को रिप्लेस करते थे जेड से, तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड फॉर्म में आ जाता था। अगेन हम इसको काशी थ्योरी से सॉल्व कर लेते थे। अब इस टाइप के जो इंटीग्रल थे इनको हम डिक्लेयर कर रहे थे फोरियर इंटीग्रल्स। फिर हमने देखा था कि अगर सिंगुलरिटीज रियल एक्सिस पे लाई कर जाए तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए भी मेथड डिवेलप किया था हमने और काशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज करके इन इंटीग्रल्स को सॉल्व किया था। ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। अब आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे ये देखते हैं। आज का लेक्चर हमारा है अबाउट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो इसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को लेंगे और उनकी कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंसेस देखेंगे, देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस एंड सीरीज देखेंगे, उसके बाद
पॉइंट, उसके बाद पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस देखेंगे, और एट द एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज देखेंगे। तो ये तो थी आज के लेक्चर्स की आउटलाइन। अब सबसे पहले नोट करें कि जब हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया था, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को, तो हमने कहा था ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एन इक्वल टू वन ओवर एन प्लस वन, तो ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, तो ये एक रियल सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से मुराद हमारी क्या होती थी? हमने कहा था अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एग्जिस्ट करे तो ये सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेंट है। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या थी कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन अगर एल के इक्वल है, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, बिकॉज एफ ऑफ एन को हम यूजली ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन ऐसे भी की जा सकती है, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम, तो फिर ये सीक्वेंस ए एन जो है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अदरवाइज ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के तीन मेथड जो मैंने आपको बताए थे, एक तो बाय डेफिनेशन है, यानी इस लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करें, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि एवरी बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और थर्ड क्राइटेरिया ये था इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करने के तीन डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास। सीक्वेंस के बाद हमने सीरीज ऑफ नंबर्स को डिफाइन किया था कि जब भी हम सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर लें तो हमारे पास एक सीरीज आ जाती है। अब सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे डिफाइंड होती है कि ये सीरीज समेशन ए एन
कन्वर्जेंट होती है अगर इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। देन हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए टेस्ट डिस्कस किए थे, जिसमें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। तो ये सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के डिफरेंट टेस्ट थे हमारे पास। अब सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ नंबर्स के बाद हमने पावर सीरीज डिफाइन की थी और पावर सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक की थी कि उसके लिए हमें डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, हर पावर सीरीज उस डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस में कन्वर्जेंट होती है। फिर हमने टू स्पेशल टाइप की पावर सीरीज स्टडी की थी, जिसमें एक टेलर सीरीज थी और एक लॉरेंट सीरीज थी। अब ऐसे फंक्शन जो एनालिटिक होते हैं इन ए सर्कुलर डोमेन, तो ऐसे फंक्शंस की हम टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस फाइंड कर सकते हैं, और वो फंक्शन जो एनालिटिक होते हैं इन एनुलर डोमेन, उन फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ये पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं इसको हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स लॉरेंट सीरीज जो है ये यूज हुई थी रेजिड्यू डिफाइन करने में, और रेजिड्यू की एप्लीकेशन आपने देखी कि उसको हमने यूज किया कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में, और कॉशी रेजिड्यू थ्योरम की एप्लीकेशन रियल इंटीग्रल सॉल्व करने में देखी हमने। अब जैसे मैंने पहले बात की कि आज का लेक्चर है हमारा अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस पे। अब सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस किस टाइप के होते हैं इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल एफ वन ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स, एफ टू ऑफ एक्स फंक्शन है से एक्स स्क्वेयर, एफ थ्री ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो अब ये एफ वन एफ टू सो ऑन इन जनरल एफ एन, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। इसी तरह आप नोट करें एक और सीक्वेंस से f1 ऑफ x साइन x है, f2 ऑफ x साइन 2x, f3 ऑफ x साइन 3x एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। अब जिस तरह हमने नंबर्स के सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखी, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शंस के जो सीक्वेंसेस हैं इनका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम रियल सीक्वेंसेस की बात करेंगे और बाद में हम इन्हीं आइडियाज को जनरलाइज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस। सपोज एफ एन हमारे पास एक रियल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। The sequence fn converges point wise to the function f on set E if limit n tend to infinity
एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. और इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ई गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू एन सच दैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम. अब इस डेफिनेशन को कंपेयर करें जरा नंबर की सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो उससे. तो वहां पे हमने कहा था कि अगर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन एल के इक्वल है और इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू एन सच दैट ए एन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम. तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन इस डेफिनेशन की और इसकी सेम है. यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि ये रियल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ एक्स को अगर एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम. इस केस में हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज टू द फंक्शन एफ ऑन सेट ई. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. शो दैट द सीक्वेंस एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनिटी कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी. एफ एन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स के. नोट करें कि इस केस में एफ वन ऑफ एक्स जो फर्स्ट फंक्शन है एक्स ओवर वन प्लस एक्स है. सेकंड फंक्शन एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स है एंड सो ऑन. इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जो nth टर्म है एफ एन ऑफ एक्स वो एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स के इक्वल है. और एफ ऑफ एक्स इस केस में जीरो है. इट इज इनफ टू शो दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम. तो ये टारगेट है जिसको हमने मीट करना है. कंसीडर एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. एफ एन ऑफ एक्स की वैल्यू इस केस में एक्स ओवर वन प्लस एन एक्स है. एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एन एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है. सो दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एन एक्स. अब ये लेस आर इक्वल है वन ओवर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनिटी. दिस इंप्लाइज एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू वन ओवर एन. अब हम नोट करते हैं कि वन ओवर एन
अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है तो यहां से एन ग्रेटर है वन ओवर एप्सिलॉन से. सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एन इज ग्रेटर देन वन ओवर एप्सिलॉन. अब क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इस फॉर्म में कि एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम वेयर एम इज सम पॉजिटिव इंटीजर. और ये रिजल्ट ट्रू है इस केस में. सो अगर हम एक एम चूज कर लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कंप्लीट है. दिस इंप्लाइज एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स. नेक्स्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस से हमारी क्या मुराद है. अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में जब नंबर m फाइंड किया जाता है तो ये m यूजली डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे और x पे. ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में नॉर्मली m डिपेंडेंट होता है एप्सिलॉन एंड x पे. इन केस अगर हम m ऐसा नंबर फाइंड कर लेते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाता है और ओनली डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे तो इस केस में जो कन्वर्जेंस होगी उसको हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहेंगे. सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन ई इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम एम डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम. नोट करें कि ये डेफिनेशन सेम है जैसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की थी. सिर्फ डिफरेंस इसमें यह है कि वहां m डिपेंडेंट होता है एप्सिलॉन पे और x पे और यहां पे जो m है वो डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन है. नेक्स्ट एग्जांपल टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस x पावर n x बिलोंग्स टू 0 1. यहां पे एफ एन ऑफ एक्स एक्स पावर एन के इक्वल है. सबसे पहले नोट करें कि अगर हम इसकी लिमिट देखना चाहें एन टेंड टू इन्फिनिटी तो ये इक्वल होगी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन के. अब चूंकि ये कन्वर्जेंस हम चेक कर रहे हैं 0-1 इंटरवल में सो ऑब्जर्व करें कि अगर हम एक्स बिटवीन 0 एंड 1 लेंगे तो इस केस में क्या होगा. फॉर एग्जांपल जैसे एक्स अगर हम 1/2 ले लेते हैं तो ये लिमिट इस फॉर्म में आएगी लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर एन और एन को इन्फिनिटी पुट करें तो 1/2 पावर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0. सो ये लिमिट 0 आती है इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अब अगर एक्स 1 के इक्वल हो जाए तो इस लिमिट का आंसर 1 आएगा. तो यहां पे हमने देखा कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है एक्स पावर एन
इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 आती है इन केस x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और 1 आती है इफ x इक्वल टू 1। तो ये इस केस में f ऑफ x है। सो फर्स्ट नोट दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, एंड वन इफ एक्स इक्वल टू वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये पीस वाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब हम देखते हैं कि ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं। तो इसके लिए हम m फाइंड आउट करेंगे। अगर m डिपेंड करेगा ओनली ऑन एप्सिलॉन तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी। सो फॉर x बिटवीन 0 एंड 1 कंसीडर एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पावर एन। अब अगर x पावर n को हम लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं तो दिस इंप्लाइज x पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इंप्लाइज वन ओवर x पावर n इज ग्रेटर देन वन ओवर एप्सिलॉन एंड दिस इंप्लाइज n log of 1 over x is greater than log of 1 over epsilon and this implies n is greater than log 1 over epsilon divided by log 1 over x. So this is less than epsilon if n is greater than log 1 over epsilon divided by log 1 over x. अब इस नंबर को अगर आप m डिक्लेयर करें तो m डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे और x पे भी। सो इस केस में ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है सिंस m डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड x। सो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म इन दिस केस। तो ये क्राइटेरिया था किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस चेक करने का, क्या आया वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट नोन एज कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन ई इफ एंड ओनली इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एंड वन बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन। इनफैक्ट जो भी सीक्वेंसेस
इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम कॉशी सीक्वेंस कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने कहा है कि ये सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ इफ एंड ओनली अगर ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि जब हम लिखते हैं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये इंप्लाइज करती है कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू सम एम। तो यहां आप सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंस जो देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स से देख रहे हैं। बट यहां पे हम सीक्वेंस की टू टर्म्स ले रहे हैं एफ एम ऑफ एक्स और एफ एन ऑफ एक्स और इनका डिफरेंस देख रहे हैं कि इनके डिफरेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एप्सिलॉन से लेस है या नहीं है। तो अगर इस कंडीशन के अंदर सीक्वेंस की टू डिफरेंट टर्म का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो तो ये सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली। एंड कन्वर्सली जितनी भी सीक्वेंसेस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हों वो इस क्राइटेरिया को मस्ट फुलफिल करती हैं। अब इस क्राइटेरिया का प्रूफ हम पार्शली देखते हैं। सपोज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम एम डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन सच दैट एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन से एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। लेट पी सम नंबर which is greater or equal to m, then ये condition fulfill होगी f p of x minus f of x less than epsilon by 2, consider f n of x minus f p of x, this is equal to f n of x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ पी ऑफ एक्स। अब दोनों साइड की एब्सोल्यूट वैल्यू लें ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करें अब ये टर्म लेस है एप्सिलॉन बाय टू से ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय टू से तो ये इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आप नोट करें कि ये क्राइटेरिया फुलफिल है। इसी तरह हम इसका कन्वर्स भी देख सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो इस केस में ये क्राइटेरिया होल्ड करता है। इसी तरह अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो फंक्शन तो सीक्वेंस एफ एन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी टू फंक्शन एफ। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कंटिन्यूटी का रिलेशन क्या है ये देखते हैं। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सेट ई दैट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ। एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है। और सपोज ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है टू सम फंक्शन एफ ऑन सेट ई तो इस केस में इस सीक्वेंस की जो लिमिट है ये फंक्शन एफ
ये भी कंटीन्यूअस होगा. इन अदर वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, वो पॉइंट मींस वो फंक्शन भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा. नेक्स्ट रिजल्ट जो रियल सीक्वेंसेस के लिए है वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन. लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी दैट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन ए बी, देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड इन दिस केस लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे इस रिजल्ट को आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर एफ एन कन्वर्ज करे एफ को यूनिफॉर्मली तो ये फंक्शन एफ एन जो है ये कंटीन्यूअस है, सो रीमान इंटीग्रेबल होंगे, तो इनके इंटीग्रल की जो सीक्वेंस होगी ये कन्वर्ज करेगी इंटीग्रल ए टू बी एफ को. तो यहां तक हमने सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शंस को डिस्कस किया और उनकी कन्वर्जेंस देखी. तो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था कि अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो काशीज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही है, और इसी तरह जो सीक्वेंसेस काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती हैं. अब नेक्स्ट हम कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए. रिकॉल करें कि नंबर के केस में ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन ये सीरीज यूनिफॉर्मली ये सीरीज कन्वर्जेंट होती थी अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दैट इज एस एन कन्वर्जेंट हो. सेम आइडिया पे हम डिफाइन करते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस. लेट एफ वन एफ टू सो ऑन बी रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट ई, देन द सीरीज समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ एन converges to a function f on E if its sequence of partial sums converges to f on E. तो series of function हमने कहा यह convergent होगी किसी भी function f को अगर इसका sequence of partial sums discuss करें और वह sequence of partial sum convergent हो. For example, जैसे हम एक सीरीज ऑफ फंक्शन लेते हैं जिसमें एफ वन ऑफ एक्स वन के इक्वल है, एफ टू ऑफ एक्स एक्स है, एफ थ्री ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल है, एफ फोर ऑफ एक्स एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल है एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स आ गई. अब इनको ऐड करें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. तो ये हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की टर्म को ऐड करके एक सीरीज जनरेट की. अब हम जानते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है ई पावर एक्स को, दैट इज ई पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. तो नोट करें इससे हम कितनी
नंबर्स की सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक्स को 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन नंबर्स की इस सीरीज का सम ई आ जाएगा. इसी तरह अगर आपने जस्ट 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल सो ऑन इसका सम देखना हो तो इस नंबर्स की सीरीज का सम ई माइनस 1 के इक्वल है. इसी तरह आप देख सकते हैं कि नंबर्स की बेशुमार सीरीज का सम हम इस फॉर्म से ही ला सकते हैं. अब सीरीज ऑफ फंक्शन जो है इनकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जो मेजर टूल रियल में हमारे पास है वो है वेरस्ट्रास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. तो इस टेस्ट की स्टेटमेंट और कुछ एप्लीकेशन देखते हैं. लेट समेशन एफ के बी ए सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट ई. इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स एम वन एम टू सो ऑन विद समेशन एम के इज कन्वर्जेंट सच दैट एफ के एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू एम के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई एंड के इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन देन द सीरीज समेशन के एफ के कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली ऑन ई. तो इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें एक सीरीज ऑफ फंक्शन दी गई है समेशन एम के एफ के. अब हमने नंबर्स की एक कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी फाइंड करनी है कि इस नंबर की सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है एम वन ये डोमिनेट करे एफ वन को फॉर ऑल एक्स. सिमिलरली एम टू डोमिनेट करे एफ टू ऑफ एक्स को एंड सो ऑन. अगर ये कंडीशन ट्रू है फर्दर ये एम वन एम टू इन नंबर से जो सीरीज जनरेट हो रही है ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो फिर ये टेस्ट हमें बताता है कि ये जो फंक्शंस की सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑन ई. अब इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं एक सीरीज ऑफ फंक्शंस पे और उस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करते हैं. एग्जांपल प्रूव दैट समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स प्लस के एक्स ओवर के इंटू के प्लस 1 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. यहां पे जो nth टर्म है लेट अस सपोज ये एफ एन ऑफ एक्स है विच इज साइन एक्स प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस 1. सबसे पहले नोट करें कि एफ एन ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस 1 आएगी. और क्योंकि साइन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होती है सो दिस इज लेस आर इक्वल टू 1 ओवर एन इंटू एन प्लस 1. अब इसको अगर हम एज्यूम कर लें एम एन तो नोट करें कि एफ एन ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एम एन आ गया फॉर ऑल एन. अब हम देखते हैं कि ये जो सीरीज
बन रही है नंबर्स की, जिसकी nth टर्म mn है, विच इज 1 ओवर n इनटू n प्लस 1, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो कंसीडर समेशन mn विच इज इक्वल टू समेशन 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। अब 1 ओवर n इंटू n प्लस 1 के पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए तो a ओवर n प्लस b ओवर n प्लस 1, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू a इंटू n प्लस 1 प्लस b इंटू n, एंड दिस इंप्लाइज n को 0 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये a आ जाएगी, ये 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। n को माइनस 1 पुट करें तो ये फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म माइनस b, सो b इज इक्वल टू माइनस 1। सो इस सीरीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1। अब इस सीरीज को आप फुल एक्सपेंशन में लिखें, n को 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 ओवर 2, n को 2 पुट करें 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3, n को 3 पुट करें तो 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 4 एंड सो ऑन। आप नोट करें कि इसका सम जो आएगा वो 1 आएगा। सो समेशन एम एन इज कन्वर्जेंट। अब एम एन नंबर डोमिनेट कर रहा है एफ एन ऑफ एक्स को, और एम एन नंबर से जो सीरीज जनरेट हुई वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। सो बाय वेरस्ट्रास एम टेस्ट जो गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सो बाय एम टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये क्राइटेरिया था इस टेस्ट को अप्लाई करने का। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट, लेट समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ के ऑफ एक्स बी ए सीरीज ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस विच कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ, then f is Riemann integrable on a b and integral a to b f k of x dx ka summation ye equal hota hai integral a to b f of x dx ke। to yahan tak ye discussion hamari complete hoti hai real sequence of functions and real series of functions ki convergence aur divergence check karna। ye just review tha यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। इस रिव्यू को हमने इन डिटेल देखा क्योंकि इससे पहले यूजली आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस रियल केस में कैसे स्टडी की जाती है। सो आपने देखा कि हमने नंबर्स की सीक्वेंस ली, उनकी कन्वर्जेंस से सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस को डिफाइन किया, उसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है, इन दोनों केसेस को डिस्कस किया। सिमिलरली हमने सीरीज ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया, ये भी कॉन्सेप्ट पैरेलल था जैसे नंबर्स की सीरीज डिफाइन होती है और सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस डिफाइन की कि सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करती है
अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। देन हमने एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट देखा है एम टेस्ट, कि एम टेस्ट आपको सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस बताता है यूजिंग नंबर सीरीज, कि अगर सीरीज ऑफ फंक्शंस की nth टर्म के कोरस्पॉन्डिंग आप एक नंबर एम एन फाइंड कर लेते हैं जो एफ एन ऑफ एक्स को डोमिनेट करे, और अब अगर नंबर्स की सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो फंक्शंस की जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट हम सेम आइडियाज देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और सीरीज ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया जाए तो वो हम किस तरह डिफाइन करेंगे और उनकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। सो सबसे पहला आइडिया इसमें है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए रीजन डी कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। देन वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू ए फंक्शन एफ ऑन डी इफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू डी। एग्जैक्टली सेम आइडिया जैसे रियल केस में था। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन वी से दैट एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन डी, और इसी डेफिनेशन को यूं हम देख सकते हैं कि द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑन द सेट डी इफ फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू डी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एम सच दैट एफ एन ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। जैसे हमने रियल केस में देखा कि इन जनरल नंबर एम जो होता है ये डिपेंडेंट होता है एप्सिलॉन पे और जेड पे। इन अबव डेफिनेशन इफ द नंबर एम डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली देन द कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन इज यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सीक्वेंस एफ एन ऑफ जेड जेड डिवाइडेड बाय एन शो दैट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन डोमेन डी वेयर डी इज डिफाइंड एज जेड सच दैट z modulus is less than 1 but not in entire complex plane। तो हमने शो करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इस डोमेन के अंदर बट नॉट इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। फॉर दिस नोट दैट इफ z बिलोंग्स टू d then z modulus is less than 1, this implies f n of z modulus is equal to z modulus divided by n and which is less than 1 over n। also लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ जेड ये जीरो के इक्वल है कंसीडर एफ एन ऑफ जेड माइनस जीरो विच इज इक्वल टू जेड ओवर n माइनस जीरो, और जैसे हमने पहले बात की कि दिस इज इक्वल टू जेड मॉडुलस ओवर एन एंड लेस देन वन ओवर एन, सो ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन होगी इफ वन ओवर एन लेस देन एप्सिलॉन हो या एन ग्रेटर हो वन ओवर एप्सिलॉन से इफ एन इज ग्रेटर देन वन ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ पे नोट करें कि जो एम फाइंड हुआ है वो डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन ओनली है, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस ऑफ एफ एन ऑफ जेड इज यूनिफॉर्म। अब नोट करें कि ये क्राइटेरिया उसी वक्त ट्रू है
जब z हम d सेट से ले रहे हैं। अगर z इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट इज z मॉड लेस देन 1 नहीं आ रहा, तो इस केस में ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट थ्योरम, सपोज दैट द सीक्वेंस एफ एन इज कंटिन्यूस इन ए रीजन डी कंटेन्ड इन सी एंड एफ एन ऑफ जेड कन्वर्ज टू एफ ऑफ जेड एज एन टेंड टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली इन डी, देन एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस इन डी। अब गिवन ये है कि एफ एन कंटिन्यूस है इन रीजन डी, और फर्दर एफ एन ऑफ जेड कन्वर्ज कर रहे हैं एफ ऑफ जेड को यूनिफॉर्मली, तो हमने प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ जेड भी कंटिन्यूस है। सेम टाइप की स्टेटमेंट हमने एक थ्योरम की देखी थी रियल केस में, अब यही थ्योरम हम देख रहे हैं जर्नलाइज हो रहा है कॉम्प्लेक्स केस में। इसका प्रूव देखते हैं। टू प्रूव एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस इन डी, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया। तो सबसे पहले एफ की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं इस आर्बिटरी पॉइंट पे। सो कंसीडर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। सो कंसीडर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड माइनस एफ एन ऑफ जेड प्लस एफ एन ऑफ जेड माइनस एफ एन एट जेड नॉट प्लस एफ एन एट जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। तो यहाँ पे जो ट्रिक यूज हुई है वो जस्ट ये टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट की गई है, और इसी तरह ये वाली टर्म भी ऐड और सब्ट्रैक्ट की गई है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ एन ऑफ जेड प्लस एफ एन एट जेड माइनस एफ एन एट जेड नॉट प्लस एफ एन एट जेड नॉट माइनस एफ एट जेड नॉट। ये एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू आ गई। दोनों साइड्स का मॉडुलस लें, तो ये एफ ऑफ जेड माइनस एफ एन ऑफ जेड मॉडुलस, इनफैक्ट साथ ही हम इसके ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी यूज कर लेते हैं। सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ एन एट जेड प्लस एफ एन एट जेड माइनस एफ एन एट जेड नॉट प्लस एफ एन एट जेड नॉट माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। अब क्योंकि गिवन है एफ एन एट जेड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ जेड यूनिफॉर्मली, सो गिवन एफ एन ऑफ जेड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज एफ एन ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बाय थ्री फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू सम एम। आल्सो एफ एन इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट, दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन बाय थ्री ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एन एट जेड माइनस एफ एन एट जेड नॉट
is less than epsilon over 3 whenever z minus z naught is less than delta. अब इस इनइक्वालिटी वन और टू को अगर हम यूज करें प्रीवियस इनइक्वालिटी में, तो ये फर्स्ट टर्म लेस आ जाएगी एप्सिलॉन ओवर थ्री से, थर्ड भी एप्सिलॉन ओवर थ्री से लेस आएगी एफ एन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, और ये जो मिडिल टर्म है ये एफ एन की कंटिन्यूटी एट जेड नॉट जो है उससे फॉलो होगी कि ये लेस है एप्सिलॉन ओवर थ्री से. सो दिस इम्प्लाइज f of z minus f of z naught is less than this number, or ye true hoga whenever z minus z naught mod less than delta, or in three numbers ka sum epsilon aa jata hai. Ye continuity ki definition complete hai. This implies f of z is continuous at z naught. अब क्योंकि z naught arbitrary point था d का, so f is continuous in d. यही हमारा target था कि हमने claim किया था कि अगर एफ एन कन्वर्ज करे एफ को यूनिफॉर्मली इन डी, तो फिर एफ कंटिन्यूस होता है अगर ये एफ एन कंटिन्यूस हो तो. अब नेक्स्ट थ्योरम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिलेशन है. सपोज दैट द सीक्वेंस एफ एन इज कंटिन्यूस इन ए रीजन डी एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ as n tend to infinity uniformly in D. Then for any contour C steric lying in D, limit n tend to infinity integral C steric f n of z dz equal to integral C steric f of z dz. इसका proof देखते हैं जी. Given f n of z converges to f of z uniformly in D. This implies for epsilon greater than zero, there exists m dependent on epsilon such that f n of z minus f of z modulus is less than epsilon for all n is greater or equal to m. Now consider integral over C steric f n of z dz minus integral over C steric f of z dz modulus. This is equal to integral over C steric f n of z minus f of z into dz. And अब इस इंटीग्रल पे अगर हम एम एल इनइक्वालिटी यूज करें, तो इस इंटीग्रेंड फंक्शन की जो बाउंड है हमारे पास वो एप्सिलॉन है. So by ML inequality, this is less than epsilon times L, where L is the length of C steric. When epsilon tends to zero, हम देखते हैं कि ये right side zero को approach कर जाएगी, और जब ये right side zero को approach करेगी तो required result follow हो जाता है. तो यहाँ तक तो हमने कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस चेक की और इसका कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन से रिलेशन देखा.
अब हम कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे और उसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे. सो डेफिनेशन देखते हैं. लेट एफ वन एफ टू सो ऑन बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड इन ए रीजन डी. देन द सीरीज समेशन एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन डी इफ इट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस इन डी. सेम आइडिया जो हमने नंबर के केस में देखा था कि नंबर्स की सीरीज कन्वर्ज करती है अगर उससे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो जनरेट करें वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो. इसी तरह हमने पावर सीरीज में देखा था कि कोई भी पावर सीरीज कन्वर्ज करती है अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्जेंट हो. रियल सीरीज ऑफ फंक्शंस में भी डेफिनेशन सेम थी कि रियल सीरीज ऑफ फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट होती है अगर उसके कोरस्पोंडिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो. तो इसी डेफिनेशन की जनरलाइजेशन कॉम्प्लेक्स केस में भी है कि अगर हमारे पास एफ वन एफ टू सो ऑन एफ एन एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो डिफाइंड हो. यार यहां से दोबारा करना. सेम केस है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की सीरीज का कि अगर एफ वन एफ टू सो ऑन ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हो तो इनसे बनने वाली ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इन डी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करे इन डी. वेस्टर्स एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज. लेट समेशन एफ के बी सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इन ए रीजन डी. अब ये सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड है इन सम रीजन डी. सपोज करें कि एम वन एम टू ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनसे बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट है. फर्दर ये सारे नंबर डोमिनेट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ एफ के ऑफ जेड को तो देन ये सीरीज जो होगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी इन डी. अब एट द एंड हम इस थ्योरम की एम टेस्ट की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन इंडिकेटेड रीजंस और सेट्स. फर्स्ट पार्ट गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन इज समेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी जेड पावर एन और एन स्क्वायर. हियर एफ एन ऑफ जेड इज जेड पावर एन आवर एन स्क्वायर. इसका मॉडुलस लें दिस इज इक्वल टू जेड पावर एन आवर एन स्क्वायर मॉडुलस. अब जेड पावर एन ओवर एन स्क्वायर मॉडुलस ये स्ट्रिक्टली लेस होगा वन ओवर एन स्क्वायर से बिकॉज जेड बिलोंग्स टू डी. दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन वन. अब वन ओवर एन स्क्वायर को एज एम एन नंबर ट्रीट करें तो एफ एन ऑफ जेड मॉडुलस लेस होगा एम एन से वेयर एम एन इज वन ओवर एन स्क्वायर एंड ये रिजल्ट ट्रू है फॉर एन इक्वल वन टू थ्री एंड सो ऑन ऑल टर्म्स ऑफ द सीरीज के लिए. तो नंबर्स की एक डोमिनेटेड सीरीज हमें मिल गई विच इज समेशन एम एन. अब ये चेक करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं. सो इसके लिए कंसिडर करें summation mn which is summation n 1 over n square. अब clearly ये एक p series है with p equal to 2 is convergent because summation 1 over n power p type की जो series होती है ये convergent होती है if p greater than 1 and divergent होती है
इफ पी इज लेस आर इक्वल टू वन, तो इस केस में पी टू है, ये कन्वर्जेंट है. सो बाय एम टेस्ट गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. अब हम सेकेंड सीरीज को देखते हैं. अगेन सेकेंड सीरीज में नोट करें कि z माइनस टू मॉडुलस लेस है 1 ओवर 3 के इनसाइड d, और हमने इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है. तो इस केस में f n ऑफ z जो है ये 2 पावर n इंटू जेड माइनस टू पावर एन है. इसका मॉडुलस लें, सो दिस इज इक्वल टू टू पावर एन इंटू जेड माइनस टू होल पावर एन का मॉडुलस, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन टू पावर एन ओवर थ्री पावर एन इन साइड डी, एंड दिस इज टू बाई थ्री होल पावर एन. इस टर्म को एज एम एन ट्रीट करें, अब कंसीडर करें समेशन एम एन विच इज समेशन ओवर एन टू बाय थ्री होल पावर एन इज ज्योमेट्रिक सीरीज. विद कॉमन रेशियो आर इज टू बाय थ्री लेस देन वन, सो कन्वर्जेंट. देयरफॉर बाय एम टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंस जो है ये यूनिफॉर्म है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस किया, और मेनली हमने फोकस किया पहले रियल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को, देन रियल सीरीज ऑफ फंक्शंस को, और उनकी कन्वर्जेंस डिस्कस की. सेम आइडियाज को हमने जनरलाइज किया कॉम्प्लेक्स केस में, और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस डिस्कस की, और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स देखे, उनके प्रूफ स्टडी किए, और एट द एंड एम टेस्ट स्टडी किया जो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यूज होता है. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.